महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेसी बौखला गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर विवाद के बीच कांग्रेस नेता भारतीय निर्वाचन आयोग को भला बुरा कह रहे हैं। एमएलसी भाई जगताप ने सारी हदें पार करते हुए कथित रूप से चुनाव आयोग को कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी को और दोहराते हुए कहा है कि ईसीआई की चापलूसी के कारण देश का लोकतंत्र बदनाम हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग के लिए अपनी आपत्तिजनक कुत्ता टिप्पणी पर माफी मांगने से सख्त इनकार किया। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा और जरा भी नहीं। अगर वो चुनाव आयोग यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहे हैं तो मैं जो कहा हूं वो सही है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। जगताप ने अपने बयान में आगे कहा है कि चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए है, ना कि किसी की सेवा करने के लिए। मैं अपनी कही हुई बात पर कायम हूं, चुनाव आयोग को टीएन सेशन की तरह काम करना चाहिए। चुनाव आयोग के चाटुकारिता रवैये के कारण लोकतंत्र बदनाम हो रहा है। जगताप ने कहा है कि लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर इस तरह की कोई शंका है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अप्रैल 2024 में इस पर फैसला सुनाया गया। कहा गया कि अगर आपको बैलेट पेपर नहीं चाहिए तो वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि 50% वीवीपैट की गिनती होनी ही चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 5% होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे पहले हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता डेटा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये जानकारी चाही थी कि आधिकारिक मतदान का समय खत्म होने के बाद मतदाता मतदान में 7.83% की वृद्धि कैसे हुई। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नाना पटोले ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि जनता की भावना अत्यंत तीव्र हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिलहाल कांग्रेस नेता भाई जगताप के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस में शिकायत दी है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर को जगताप के खिलाफ शिकायत लिखी है। किरीट सोमैया ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर से कांग्रेस भाई जगताप के खिलाफ चुनाव आयोग को गाली देने के लिए कार्रवाई करने की शिकायत की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 280 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा को 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आने का मौका मिला, जबकि उसके सहयोगी दलों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीती। महाराष्ट्र के चुनाव में एमवीए के तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना और यूबीटी और एनसीपी शरद पवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बराबर भी सीटें नहीं मिली। विपक्ष के पास सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष चुनने लायक भी संख्या बल नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हार से बौखलाए हुए कांग्रेसी नेता अनाप शनाप भकने पर उतारू हो गए हैं? आखिर इनका क्या वजूद सामने आता जा रहा है और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं?